हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी क्लास सेकेंड की वर्कशीट, जो कि है हिंदी की और 11th किसकी, अक्टूबर की। तो ये पार्ट रिमझिम जो है आपकी उस बुक से है, तितली और कली कविता में आज हम आगे करेंगे। तो बच्चों, आपने तितली और कली कविता बहुत ही मजे से पढ़ी होगी। आइए आज हम इससे जुड़े और कुछ रोचक कार्य करते हैं। पहला कार्य है कि आइए कविता को दोहराते हुए जो ई की बड़ी ई की मात्रा के शब्द हैं उनको पूरा करना है। तो क्या क्या है? हरी, रंगीली, कली, लगी, तितली। तो आप इस तरह से इन पांचों शब्दों में ई की मात्रा लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए क्या कहा गया है? तो बच्चों, नीचे आपको क्या दिया गया है? बच्चों, नीचे आपको दो चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखकर आपको बताना है कि हमारी तितली कौन से चित्र पर बैठना पसंद करेगी। तो गंदगी में बैठती है तितली? नहीं, गंदगी में तो मच्छर रहते हैं, मक्खियां रहती हैं। तो ये वाला चित्र तो आपका बिल्कुल ही गलत है, यहाँ तो हमारी तितलियां रहेंगी नहीं। दूसरे, हाँ, फूलों पे तितलियां रहती हैं। फूल किसको अच्छे होते हैं? फूल तितलियों को अच्छे लगते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप इसको इस तरह से रंग भर देंगे। अब आगे चलते हैं कि बातचीत की ओर, जो कि हमारी हर हिंदी की वर्कशीट में आता है। यहाँ की आज की जो बातचीत है आपकी, उसमें आपको कहा गया है कि आपको इस संवाद को पूरा करना है, जिसमें आप एक खरगोश एक कपड़े वाले की दुकान पर देख सकते हैं। तो ये खरगोश क्या कह सकता है? व्यापारी चाचा, मुझे अच्छे से कपड़े दिखा दो। अब खरगोश ये क्या कहेंगे? भाई साहब, हाँ खरगोश भाई, कौन से लोगे? तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय एवरीवन।